सबसे पहले अनुज कुमार कौशिक जी आ गए हैं, सुधीर जी आ गए हैं, संजीव जी, सुदेश, अंजुम भाई आ गए हैं, धर्मेश पटेल जी आ गए हैं। अंजुम भाई वेरी गुड मॉर्निंग, अंजुम भाई वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कौशिक भाई वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ लोग और आ जाएं, जाकिर हुसैन जी आ गए हैं, जाकिर भाई कैसे हैं नागपुर से? कुछ लोग और आ जाएं तो आज का जो सेशन है 10-15 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप सब लोगों के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। योगेश भाई आ गए, योगेश भाई भारद्वाज जी, शायद तो नेट अगर थोड़ा सा स्लो है तो देख लीजिएगा। जाकिर भाई मैं बहुत बड़े हूँ, आप कैसे जाकिर भाई? राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, राजेश बहुत बढ़िया हैं। रविंद्र फाटे जी कैसे रविंद्र भाई? शायद कुछ लोग और आ जाएं तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कंपनी के बारे में और एक्सचेंजेस के बारे में। जैसे हमने बताया था आपको कि हम लोग GDS तैयार कर रहे हैं पारो एक्सचेंज का, और वो GDS मल्टीपल एक्सचेंज का एक हब बनेगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनेगा, जिसके अंदर बिनाइंस और बिट्रैक्स और ट्रेड सतोशी तीनों लाइव हो चुके हैं। अभी वो टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स सारी जो भी इन्वेंट्री है बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, और काफी हद तक हम उसको लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव टेस्टिंग करने के लिए। तो आप थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन उसमें कर सकते हैं, फिर भी अगर एरर आता है उसके अंदर तो हम रिकंसलेशन में उसको डाल देंगे। तो आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग चल रहा है उसके अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो लाइव सेशन से हम लोग API कनेक्ट किए हैं, जिसमें बिनाइंस का ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, आप बिनाइंस की इन्वेंट्री देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू देख सकते हैं। उसी तरीके से TS जो है ट्रेड सतोशी भी उसमें लाइव हो चुका है और बिट्रेक्स लाइव हो चुका है, तो 3 API भी हमने लाइव की हैं। अभी टेस्टिंग मोड में है और 2-3 दिन 4 दिन और लगेंगे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। जैसे ही वो परफॉर्मेंस हो जाता है तो इसमें काफी अच्छा रिजल्ट्स मीन्स एक फर्स्ट जो हमारी कामयाबी थी कि जो अभी API है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो, वो सेटल्ड होने शुरू हो गए हैं। स्लो का एक प्रॉब्लम है कि स्लो चल रहा है, तो उसका हम लोग लाइव टेस्टिंग करके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जैसे ही मैंने बताया था आपको पारो एक्सचेंज के अंदर ATC से पेमेंट्स होगा तो ATC की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो ATC से हम लोग पे करेंगे, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये सारा सारा मैटर है। एक मिनट, तो तरुण गोस्वामी जी कह रहे हैं नमस्कार तरुण भाई। अनिल रोहला जी कह रहे हैं खत्म हो गया सब कुछ। अनिल भाई कुछ नहीं है, BTC डाउन है, आप देख रहे हैं ATC के वहीं खड़ा है और काफी अच्छी पोजीशन पे है, और धीरे धीरे ये अप होना शुरू हो जाएगा और वेट करें तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आएंगे। बिल्कुल जो मैं ये कर रहा हूँ ये इतना बड़ा पोजीशन है कि कहीं से कहीं पहुंचेगा, और आप देखेंगे दिसंबर के अंदर काफी अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस चीज के ऊपर। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी मैं दूंगा कुछ दिन के बाद में कि जिन जिन लोगों ने भी कॉइन परचेज किए हैं सस्ते रेट में और करंट रेट के हिसाब से, जो भी हम जैसे मैंने पहले कहा था 15 अगस्त को एवरेजिंग करेंगे सबका, और वो एवरेजिंग ऐसे करेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको मिलेगा, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आप अपने कॉइन की डेली वैल्यूएशन देख सकते हैं कि जितने भी कॉइन आपके पास में हैं कितना वैल्यूएशन आपका है, पोर्टफोलियो कितना है आपका, और क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग लाइव कर रहे हैं। इससे आपको काफी फर्क पड़ेगा, और जितने भी लोग हैं फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 का कॉइन परचेज किया है और वो 100 रुपए के हिसाब से परचेज किया तो आपको 50 कॉइन मिले हैं, और आज करंट रेट अगर 50 पैसे है या 1 रुपया है
तो उसकी वैल्यूएशन 50 रुपए हो गई है, तो आपको 4,950 के अदर कॉइन मिलेंगे जो 5,000 की वैल्यू के होंगे। इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपका वो सॉल्यूशन निकलेगा, तो आपके जो लॉस है वो सारा सारा उसके अंदर कवर हो जाएगा, तो हम उसको उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जाकिर भाई कह रहे हैं कि GDS कैसे करेंगे, उसका वीडियो बनाएगा। जाकिर भाई एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग उसको लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव टेस्टिंग चल रही है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसका आना शुरू हो गया है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम उसको लाइव कर देंगे और उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। सर क्रिप्टो इनबॉक्स से विड्रॉल कब चालू होगा? अमर भाई क्रिप्टो इनबॉक्स से विड्रॉल चालू आप कर सकते हैं, सारा विड्रॉल लाइव हो चुका है, आप उसको कराएंगे। विनय जी कह रहे हैं कि ATC से विड्रॉल रिजेक्ट हो रहा है। अनिल भाई एक्चुअल में 1-2% रिजेक्ट हो रहे हैं किसी कारण से, आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसको सक्सेस हो जाएगा। कभी कभी ये रेशो भी आ रहा है, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। अनिल भाई कह रहे हैं कि अनिल भाई आप चिंता मत करो, बहुत अच्छी पोजीशन पे आएंगे आप। दिसंबर में आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा था कि 15 अगस्त को जो कमिटमेंट है वो मैं फुलफिल करूंगा और आपका जो पोर्टफोलियो है उसको जितना आपने कॉइन परचेज किया उसके इक्वल करूंगा, लॉस नहीं होगा। ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जो इस तरह की पोजीशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और जो इसमें प्रोवाइड करेंगे आपको कि आपका जो लॉस है उसको इक्वल करेंगे जितने का आपने कॉइन परचेज किया है, और काफी अच्छी पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे। 1-2 दिन के अंदर हम डाटा मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कंप्लीट हो जाएगा। निकुंज भाई जय स्वामी भाई कैम छो, शायद मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, और अब और किसी भी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। विनय भाई कह रहे हैं कि न्यू प्लान के रिवॉर्ड्स कब तक होंगे? एरर्स थी सिस्टम के अंदर वो दूर हो गई हैं, तो फर्स्ट वीक में आपको सबको जितने भी लैपटॉप और मोबाइल हैं वो डिलीवर हो जाएंगे, काफी हद तक हो चुके हैं, थोड़ा बहुत लोगों के बाकी हैं वो भी सब निकल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आई थिंक काफी क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, और नई अपडेट के साथ मैं दोबारा आऊंगा। GDS के बारे में थोड़ा सा मैं एक बार और कर दूं कि GDS में ओहो कैश भी इंटीग्रेट होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, और पारो के अंदर जितने भी टॉप 100 एक्सचेंज है वर्ल्ड के वो सारे इंटीग्रेट होंगे। ATC से उसका पेमेंट्स होगा और जितने भी ATC कॉइन होंगे, जैसे धीरे धीरे फॉर एग्जांपल एक महीना ATC से पेमेंट होगा, दूसरे महीने अरिस्टो से होगा, इस तरह जितने भी हमारे कॉइन हैं स्टेप बाय स्टेप उससे ट्रांजेक्शन फीस हम लोग वैल्यू चार्ज करेंगे, जिससे हमारे वो सारे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और डिमांड भी उसकी इंक्रीज होगी। और सो आई थिंक किसी के और कुछ मैसेज हैं, 100% थोड़ा बिजी हूँ, और जैसे ही टाइम मिलता है तो 100% मैं सूरत आऊंगा और आप लोगों से मुलाकात करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में फिर दोबारा मैं आपको अपडेट करूंगा, और फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।